नेहरू युवा केंद्र हरदा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई महिला क्रिकेट प्रतियोगिता। अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। जिला युवा अधिकारी श्रीमती मोनिका चौधरी के नेतृत्व में नेहरू युवा केंद्र हरदा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नेहरू स्टेडियम हरदा में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समापन समारोह के दौरान विशिष्ट अधिकारी के रूप में यातायात थाना प्रभारी सूबेदार सुश्री वर्षा गौर जी द्वारा विजेता टीम को सम्मानित किया गया। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में दर्शकों के बीच अंतिम गेंद तक रोमांच बरकरार रहा। हरदा रॉक्स की टीम विजेता रही एवं हरदा टाइगर की टीम उप विजेता रही। मैन ऑफ द प्लेयर हेमलता मंडराई रही, जिनके द्वारा 28 गेंदों पर 7 चौके लगाकर 40 रन बनाए। प्रतियोगिता के दौरान एम्पायरिंग पर शशांक पारासर एवं मयंक शर्मा रहे। जिला युवा अधिकारी श्रीमती मोनिका चौधरी ने बताया, ये आयोजन युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने और महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने, जिससे युवा बालिकाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़े, इसीलिए आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में स्कोर एवं कॉमेंट्री एवं संचालन में पंकज पटवारे, दीपक गौर, राहुल नागराज, सुनील कुमार उपस्थित रहे। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण विभाग से सलमा खान युवा समन्वयक एवं मोनिका मेहता जिला कोच, वसंत सिंह राजपूत उपस्थित रहे। नो बॉल के साथ में, और यहां देखते हैं फील्डर क्या करते हैं। फील्डर ने भी सुस्ती दिखाई और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन।